जयपुर हवाई अड्डा फ्लाइट्स के लिए तरस रहा है। पिछले कुछ समय में जयपुर से एयर कनेक्टिविटी को लेकर लगातार संकट खड़ा हो रहा है। 6 महीने पहले तक जहां जयपुर देश के 22 शहरों से जुड़ा हुआ था, तो वहीं आज बमुश्किल 17 शहरों के लिए फ्लाइट्स मिल पा रही है। 5 शहरों के लिए तो हवाई सेवा बंद हो चुकी है। लेकिन इसके कारण क्या है और कब तक ये हालात सुधरेंगे, इसके लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी लगातार कम हो रही है। अप्रैल से जुलाई तक के आधिकारिक आंकड़ों में हर माह यात्रियों की संख्या कम हो रही थी। कम यात्री भार के चलते एयरलाइंस के लिए भी नियमित रूप से फ्लाइट चला पाना कठिन हो रहा है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल की दरें बढ़ने से हवाई किराए की दरें बढ़ गई है। ऐसे में हर किसी के लिए हवाई यात्रा अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। घटती एयर कनेक्टिविटी का कारण कम यात्री भार के साथ ही जयपुर एयरपोर्ट पर एयरलाइंस की लागत में बढ़ोतरी होना भी है। अभी देश के 17 शहरों से जयपुर जुड़ा हुआ है। 14 शहरों के लिए जयपुर से रोजाना फ्लाइट संचालित। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई के लिए रोज फ्लाइट है। पुणे, अहमदाबाद, सूरत, चंडीगढ़, लखनऊ के लिए भी रोज फ्लाइट है। इंदौर, गुवाहाटी, देहरादून के लिए भी नियमित फ्लाइट उपलब्ध है। 3 शहरों के लिए कभी कभी फ्लाइट चलती है। उदयपुर, गोवा और भुवनेश्वर के लिए सप्ताह में 3 दिन ही फ्लाइट उपलब्ध है। वहीं स्पाइसजेट की दोपहर 2:25 पर वाराणसी की फ्लाइट SG3261 बंद हो गई है। इंडिगो की दोपहर 12:40 पर वड़ोदरा की फ्लाइट 6E7261 बंद हो गई है। इंडिगो की सुबह 11:10 पर पटना की फ्लाइट 6E154 बंद हो गई है। स्पाइसजेट की सुबह 8:40 पर धर्मशाला की फ्लाइट SG3441 बंद हो गई है। स्पाइसजेट की शाम 5:40 पर अमृतसर की फ्लाइट SG3759 भी बंद हो चुकी है। मार्च महीने तक विंटर स्केड्यूल में जयपुर एयरपोर्ट से रोज औसतन 60 फ्लाइट चल रही थी, लेकिन समर स्केड्यूल में अब फ्लाइट की संख्या 45 रह गई है। जबकि समर स्केड्यूल के लिए कहा गया कि जयपुर एयरपोर्ट से कुल 70 फ्लाइट संचालित होंगी। उस दौरान एक दर्जन से ज्यादा नई फ्लाइट भी शुरू होने की बात कही गई थी। समर स्केड्यूल में 4 नए शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होनी थी, लेकिन एयरलाइंस ने फ्लाइट शुरू नहीं की। इनमें अलायंस एयर की सुबह 6:20 की भोपाल की फ्लाइट 9I683, स्पाइसजेट की सुबह 7:20 की जालंधर की फ्लाइट SG3257, स्पाइसजेट की दोपहर 2:05 की पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर की फ्लाइट SG427 और स्पाइसजेट की दोपहर 12:30 की सिलीगुड़ी की फ्लाइट SG4493 शामिल है। प्रदेश में पर्यटकों की आवक तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी फ्लाइट्स के संचालन में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। अक्टूबर माह के अंतिम रविवार से जयपुर एयरपोर्ट पर जब फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल लागू होगा, तब उम्मीद की जा सकती है कि नई एयरलाइंस भी जुड़ेंगी, साथ ही नए शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ सकेगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।